ਪਾਸ ਸੈ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਾਢੀ ਰੈ ਪੀਲਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਾਢੀ ਰੈ ਉਹ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਠਾਟੀ ਰੈ ਮੇਰੀ ਜੋਰ ਸੀ ਭੂਤ ਦਸਤਾ ਸੈ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਾਢੀ ਰੈ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਬੈਠਕ ਮੈਂ ਆਉ ਤੇ ਖਾਟ ਕੀ ਜੋੜੇ भैया हम लोग आए थे, घूमने आए थे, मंदिर में जा रहे थे, लेकिन क्या बताइए रास्ता देख के जाने का मन नहीं है, लेकिन तब पर भी हम लोग जा रहे हैं आप लोग के खातिर, क्योंकि बहुत बहुत फेमस मंदिर है गांव में है। और हमारे साथ देखो आगे आगे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं वो लोग कहाँ। अच्छा इधर जाना है, इधर क्या, बहुत मेहनत लग रहा है मंदिर के पास जाने की। यार भाई आप रास्ता देख सकते हैं, कौन मंदिर है सीधे बा, धन्यवाद धन्यवाद भाई लोग, धन्यवाद सभी लोग को दोस्त करे एकदम हल्ला। चलो यानी यार पहुँच भी गए हैं गाइस यहाँ पे, अब हम लोग देख सकते हैं ये मेन गेट है क्या इसका शायद। तो इस टाइम हम मौजूद है इटावा जो कि गांव है, इटावा गांव है ना, इटावा गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि गांव में शिव जी का शिवालय है, यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने। तो आइए आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कराते हैं, और जिस रास्ते का सामना करते हुए हम आगे बढ़े हैं उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा इस छोटे बालक का। क्या नाम है बाबू तुम्हारा, अपना नाम बोलो। तेजी अंकित ने बहुत बढ़िया सहयोग किया, ये रास्ता बताया तब हम लोग यहाँ पहुँचे। और वैसे मैं आया था कुछ काम से आया था, तो मैं सोचा आपको यहाँ का जो मंदिर है वो उसका भव्य नज़ारा आपको दिखा देते हैं। ये देखो भाई महाकाल की नगरी, ये देखो यहाँ पे एक जो कुआँ है वो शायद बहुत पुराना लग रहा है, देखने से पता चल रहा है कि बहुत पुराना कुआँ है। आइए सर, चलिए सर। जो हमारा गंगा जी है एकदम स्पष्ट दिखाई देता है आपको, आइए थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। देखो भाई कैमरा में देखो मस्त एकदम आ रहा है, वो देखो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा नज़ारा इधर से देखने को मिलता है। कहाँ पे कुश्ती होता है, कहाँ, यहाँ नीचे, तो यहाँ नीचे लोग कुश्ती भी करते हैं यहाँ पे, तो नीचे भी चलेंगे। उससे पहले आइए यहाँ पे हम दिखा देते हैं मंदिर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। राम राम बाबा, बाबा जी आप यह मंदिर रहते हैं यहीं? अच्छा यह मंदिर कितने साल का है, बहुत पुराना है क्या, बहुत पुराना मंदिर है क्या ये? लगभग कितना साल हो गया होगा? हमारे आजा बाबा पहले का है। अच्छा आपके आजा बाबा पहले, यानी बहुत ज़्यादा पुराना है ये मानी, पहले मंदिर छोटी सा समिति थी। अच्छा वो अपने हाथ से आपने कभी बैठा ही नहीं है। अच्छा मैं अभी जाके देख लेंगे, अभी हम लोग दर्शन कर लेंगे, देख लो। हाँ देख लेंगे। शिव जी के मंदिर पे यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में लोग आते हैं, और यहाँ के जो गांव वासी है, और ये जो गांव है मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ये गांव बहुत ही ज़्यादा मतलब संख्या के मामले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता हमने देखा जो कि रास्ता आप सबको देखे भी होंगे कि कितना हम लोग मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। तो आइए पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं मंदिर का परिसर के बाहर आपको दिखाएंगे। लोगों ने क्या है यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे बात कर रहे थे कि भैया आगे मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। तो हम सोचे कि इसी बहाने आप लोग को भी सोचे कि आपको दिखा देते हैं, तो आपको दिखा दें यहाँ पे ये जो शिवलिंग रखा है, और उधर हमारे बजरंग बली का भी मूर्ति है, और यहाँ पे भी देखो मूर्ति रखा हुआ है, आप अंदर दिखाओ। ये देखो यहाँ पे देखो मूर्ति वगैरह रखी गई है, और ये रहे हमारे शिव जी का जो शिवलिंग है यहाँ पे रखा हुआ है, और मंदिर का जो काफ़ी साफ सफाई यहाँ भी
रहता है जो कि बाबा जी रहते वो करते हैं। नाम बता दीजिए। शीतला प्रसाद, बाबा का नाम शीतला प्रसाद है, जो मंदिर के बारे में बताएंगे आप लोगों को। यहाँ का जो रहस्यमयी जो कहानी है, किस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, किस तरह से यहाँ का जो परिसर है वो बना, और किस तरह से यहाँ पे पूजा होता है, और लोग यहाँ पे बहुत ही, आज एक समय था कि यहाँ पे सब बंजर था, मतलब पूरा जंगल था, यहाँ पे एक समय था कि पूरा जंगल था, लेकिन आज यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और अपना जो भी मन्नत होता है वो यहाँ पे मानते हैं। यहाँ के गाँव वाले का पेड़ और ये मंदिर है जो अलग से, मतलब यहाँ पे विस्थापित नहीं किया गया, माने झार फूट रहा है इस रहा पहले तो अंग्रेजी राज्य रही। हाँ माल गुजारी सबको टूटी रही, तब शिवार में सजाव सिपाही आए गए, शिवार में के रहा गाँव के, उसने तो यही थे मकर ट्रेनी का पेड़ रहा। अच्छा, कितना पेड़ होगा? मकर ट्रेन, मकर ट्रेन। हाँ मतलब कितना खत है? अरे झार या सो सब गुफादार। अच्छा, मकर ट्रेन। हाँ तब वही में जंगल रहा, माने पूरी खबड़ा बड़ा रहा, वही में आके माने सूखे उकरे बाद में जब खुरपी से खान इतनी सा दिखाने तब फूचर के खान के बढ़िया सा इनके बटर बैठा दी, लेकिन ये निकले नहीं इतने के खाने लेंगे ना वही पर बनवा। ये अब जो निकला है ना अभी अब निकले ना जरे था ऊपर आई के बटे नहीं, ये तो बढ़त चला जाता है, बढ़त चला जाता थे। हाँ वही सका था अपने आप से। हाँ आप तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो अभी हम इस टाइम मौजूद है इटावा गांव में, और यहाँ का जो ये जो मंदिर है वो लोगों ने जिस तरह से बताया कि ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ का जो कहानी है वो भी काफ़ी दिलचस्प है जो कि बाबा जी ने हमको बताया, और काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना है, करीब बता रहे 100 साल पुराना है। तो यहाँ का आपको और भी नज़ारा दिखा देते, इधर जो ये कुआँ भी है, इधर ये जो परिसर है वो काफ़ी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो भी मेले का आयोजन होता होगा, जैसे शिवरात्रि हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी भारी संख्या में लगती है, क्योंकि यहाँ जो गांव का जो संख्या वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही घनी बस्ती है, यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा बसे हुए हैं। जैसा कि अभी आप लोग हमको देखेगा हम लोग किस तरह से यहाँ पे आए, हम लोग को रास्ता तो नहीं पता था किधर से आना है, तो ये जो छोटू वाला लड़का, ये देखो अंकित नाम है इसका, ये पहुंचाया हम लोग को यहाँ तक। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो को बताना, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। तो जो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसा लगा, और यहाँ का जो मंदिर वगैरह आपको कैसा लगा, यहाँ की जो कहानी वो कैसा है, सब आप लोग बताना कमेंट में। तो अब हम चलते हैं, आपको जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चलते हैं और आपको दिखाते हैं। कि वो रास्ता कितना जोखिम भरा है, कैसे कैसे हम लोग आए थे वो भी बाइक से। अरे कहाँ जाते थे भाई, हम लोग कौन रास्ता से आए थे भाई, यार हम लोग कौन से रास्ते से आए थे भाई, वो भी हमें हराइए स्कैम हो गया। हम लोग आने का तो आ गए, लेकिन अब जाए कैसे घर, चले गए हम लोग, जाएंगे कैसे, अब जाए कैसे घर, हम लोग रास्ता भूल गए। ये यार भाई हम लोग कितने क्या महान व्यक्ति हैं यार, अरे भाई रास्ता ही भूल गया है जाना है, अरे रास्ता ही भुलाइए, हम चला गए उधर आगे तक चला गए, पर नहीं अब चला जा भाई, चलो जा जाते हैं।
तो दोस्तों जो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना कमेंट में, और मिलते हैं आपसे भी इसे किसी अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और बाकी कमेंट में बताना वीडियो कैसा रहा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे भी इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।